everyone and welcome back to another lecture of unlock need class last lecture mein, we discussed about tubulin proteins right alpha tubulin protein and beta tubulin protein also we understood how microtubules form hote, right and how does these structures grow in the areas which are known as mtoc that is microtubule organizing centers sati हमने that there are structures which are going to function as ntoc these are kinetochore, basal bodies and mesule or satellites so class in today's lecture we are going to discuss about centriole that is a non-membranous organelle so let's get started now class centrioles as we said these are non membranous hollow microcylinders which are made of microtubule. Plant cells may they are going to be absent, like in animal cells may they are going to be present. Centrioles, are always paired, may present. Rahenge. That means they are two in number, and the arrangement of these centrioles is perpendicular. Pair of centriole is said to be diplosome. और इस डिप्लोसोम के आसपास एक स्पेशल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है दैट इज सेड टू बी सेंट्रोस्फेयर और काइनोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म के आसपास आपको राइबोसोम या फिर अदर सेल इंक्लूशन देखने नहीं मिलते हैं सेम एज वी डिस्कस्ड इन जोन ऑफ एक्सक्लूज़न एसोसिएटेड विद गोल्जी बॉडीज नाउ क्लास डिप्लोसोम दैट इज द पेयर ऑफ सेंट्रियोल Along with the centrosphere or Kinoplasm Together they form structure which is known as centrosome. Right? So you need to understand the term centrioles. Right? Pair may present hai, isle diplosome kaha. In aas cytoplasm present hai, that is said to be Kinoplasm or centrosphere. Centrosphere or diplosome together constitute centrosome and these structures they are seen in animal cell right while they are going to be absent in plant cell non-membranous organelle other than centriole we discussed ribosome so now let's discuss the structure of centrioles now class let's understand the transverse section of centriole

सिंगल माइक्रोटिब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं राइट right? तो ए में तो आपके 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे जबकि बी में ओनली 10 प्रोटोफिलामेंट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट यानी रिमेनिंग ये शेयर करेगा अपने प्रोसीडिंग यानी कि सामने वाले माइक्रोटिब्यूल से दैट इज ए इसी तरीके से सी में भी आपके 10 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे ये भी शेयर करेगा अपने रिमेनिंग प्रोटोफिल्स किससे बी से राइट क्लास सो इस तरीके से नाइन ट्रिपलेट कंप्लीट थर्टीन प्रोटोफिलामेंट्स, वाई बी एस एंड सी आर गोइंग तो टू हैव हाँ टेन प्रोटोफिल्स क्योंकि ये शेयर करेंगे अपने रिमेनिंग प्रोटोफिला अपने प्रोसीडिंग माइक्रोट्यूब्यूल से ऑल्सो क्लास ये जो ट्रिपलेट फाइब्रिल्स हैं विच आर नाइन इन नंबर ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टर राइट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीनेशियस लिंकर दैट इज सेड टू बी सी ए लिंकर और सी ए कनेक्टिव इसे सी ए कनेक्टिव क्यों कहा एज यू कैन सी दैट सी ऑफ दिस ट्रिपलेट फाइब्रिल इज कनेक्टेड विद ए ऑफ दिस सिमिलरली सी ऑफ दिस इज कनेक्टेड विद ए ऑफ दिस जिसकी वजह से इसकी अरेन्जमेंट एक राइट सेंट्रल पार्ट यानी कि ये जो हब है क्लास इट गेव राइज टू नाइन प्रोटीनेश रेडियल स्ट्रांस विच आर नोन एज स्पोक्स और ये जो स्पोक है क्लास ये कनेक्ट करता है सेंट्रल हब को ट्रिप्लेट से ट्रिपलेट ए राइट ऑल्सो क्लास पेरीफेरी में आपको नजर आ रहे हैं मेज्यूल्स ऑल्सो नोन एज पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट यानी कि जो नए सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होगा इट इज गोइंग टू अकर फ्रॉम मेज्यूल्स

साथ ही आपने देखा कि सेंटर में आपके स्पोक्स अराइज होंगे राइट विच आर गोइंग टू कनेक्ट द हब विद द ट्रिप्लेट फाइब्रल विद द हेल्प ऑफ दी स्पोक्स विच आर आल्सो गोइंग टू बी नाइन इन नंबर नाइन मेज्यूल्स और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट प्रेजेंट होंगी पेरीफेरी में राइट विच आर गोइंग टू गिव राइज टू न्यू सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल प्लस दे आर गोइंग टू गिव

अराइज होंगे सेंट्रल हब से कितने मेज्यूल्स प्रेजेंट हैं राइट एट व्हाट एंगल इज ट्रिपलेट फाइबर अरेंज वो है 42 टू डिग्री राइट सेंट्रियोल्स दे आर गोइंग टू गिव राइज टू स्ट्रक्चर दैट इज बेजल बॉडी ऑल्सो नोन एज बेजल ग्रेन्यूल और ब्लिफेरो जो लेटर ऑन फॉर्म करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला सो क्लास Stay connected and stay tuned for our next lecture, where we will discuss about cilia and flagella. So, thank you and have a great day.